कोरोना वायरस की वजह से प्रदेश में जो लॉकडाउन है इसकी वजह से किसानों में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। मैं किसानों को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि उनकी जो गेहूं की और सरसों की MSP पे परचेज समय आने पर पिछले सालों की तरह से ही हो। किसान की मंडियां चलाने में, मंडियों में फसल बिकवाने में किसी भी तरह की समस्या नहीं आने दी जाए। दूसरा, पिछले सालों में पंजाब से कंबाइन हार्वेस्टर या जो खेती बाड़ी से संबंधित मशीनरी आती थी, किसान ये भी चिंतित है कि वो मशीनरी नहीं आएगी तो उनकी फसल कैसे काटी जाएगी। इस बारे में भी किसानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी मशीनें आना चाहेंगी उनको रोका नहीं जाएगा और किसान की फसल को ख़राब नहीं होने दिया जाएगा। तीसरा, कि जो सब्जियां, टमाटर या दूसरी तरह की सब्जियां किसान के खेत में हैं उसको मंडी तक ले जाने में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये सारी इंस्ट्रक्शन या तो जारी कर दी गई हैं या कर दी जाएंगी। आप लोगों को एक ही सावधानी रखनी है, सरकार का, समाज का सहयोग करना है कि भीड़ में एकत्रित ना हों, एक दूसरे के पास में ना जाएं, ज़रूरी काम निपटाएं, लेकिन सावधानी अवश्य बरतें। लेकिन हरियाणा सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह से जागरूक है और उनको जो भी समस्या आएगी समय समय पर उसका समाधान तुरंत कर दिया जाएगा। धन्यवाद। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।